अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पानी पूरी सिर्फ पौने दो गिलास आटे से बनाया था, अब देखो कैसा फूल रहा है आप लोगों के सामने, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एकदम जबरदस्त। अगर मेरे जैसा रियल में आप लोग सोच रहे हैं ना बनाना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा आज का वीडियो। सिर्फ आप लोग अच्छे से अगर ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है दिल से हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा बनाना बिल्कुल एकदम बाजार जैसा, पानी पूरी वाले जैसा, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इतना खास इतना जबरदस्त होगा ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पानी पूरी बना है कितना क्रिस्पी और कितना करंची बना है, ये देखो बिल्कुल एकदम क्रिस्पी करंची है। देखो ऐसा अगर आप लोग भी सोच रहे हैं तो आपका भी बनेगा एकदम परफेक्ट, बिल्कुल एकदम आसान तरीका, एकदम जबरदस्त। आज देखो जो मैं पानी पूरी गोलगप्पा बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम जबरदस्त मेरे जैसा, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बनाना ना, तो आप लोगों के लिए वीडियो आप आज का बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो भी बताने जा रहा हूँ एकदम अपने जैसा रोड जैसा, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ना तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि एक एक चीज आप लोगों को बिल्कुल आसानी से पता चले। ये आप लोगों के सामने मैं जो भी मिलाऊंगा इसके अंदर आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, पौने दो गिलास ये हो गया हमारा सूजी। उसके बाद इसमें हम मिलाने वाले हैं 50 ग्राम गेहूं का आटा, सिर्फ 50 ग्राम, और ये हिसाब से ही बनाना है। अगर मेरे जैसा आप लोग भी सोच रहे हैं बनाना तो आप लोगों के लिए बहुत ही खास बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 1/4 हिस्सा गेहूं का आटा हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मिलाना है खाने का सोडा, बिल्कुल हल्का सा 1 ग्राम के करीब, और ज़्यादा खाने का सोडा अगर मिलाएंगे तो बाद में काला हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। अब देखो थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाने के बाद अगर मैं पाकिट दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये पाकिट रहा हमारा कुछ ऐसा है, और इधर से आप लोग देख सकते हैं इधर से ऐसा है, ये है हमारा पाकिट। उसके बाद अभी इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से आटा और खाने का सोडा और सूजी रवा आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अभी ये हिसाब से अच्छे से हम बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, मिक्स करने के बाद बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी लेना है और उससे इसका आटा लगा के तैयार करना है, एकदम अच्छा सा एकदम बढ़िया। अगर ये देखो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं इधर, देखो हमारा पानी पूरी बेलना भी शुरू है, और एक चीज़ और दिखाऊं अगर इधर हमारा पानी पूरी का मशीन भी है, लेकिन ये हम लोग अभी पेड़ा बना रहे हैं इसलिए ये जब पेड़ा बनाने के बाद फिर मशीन से भी बेलेंगे, और इधर अभी हाथ से बेला जा रहा है, और स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये आटा लगा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल मेरे जैसा आसानी से समझ पाओ एकदम बढ़िया से। और इधर देखो आप लोगों को झूठ लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बताता हूँ, देखो इधर हमारा भी पेड़ा बनाना भी शुरू है, ऐसा नहीं है कटिंग करके रख लिए हैं, और ऐसा मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे बहुत बढ़िया से एकदम परफेक्ट बना लेंगे बिल्कुल आसान। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा आटा लगाने का तरीका कुछ ऐसा है, अभी ये हिसाब से ही आटा लगाना है आप लोगों को कभी भी, और कभी भी अगर आटा लगाओ तो ये घर में खाने की रोटी से थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है इसका, जो थोड़ा सा टाइट लगाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका गोलगप्पा पानी पूरी पुचका पानी पतासा एकदम बढ़िया और क्रिस्पी और करंची बनेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कितना टाइट है, जबकि ये हिसाब से ही आपको भी लगाना है। अब ये हिसाब से लगाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ने वाले हैं रेस्ट के लिए, ताकि हमारा थोड़ी देर ये सूजी हमारा फूल जाएगा। उतने देर में जितना बढ़िया आपका आटा सेट होगा उतना बढ़िया आपका पानी पूरी गोलगप्पा भी बनेगा। देखो अब इसको लपेट दिया, लपेट के अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट, उसके बाद निकाल के आगे क्या करना बने रहिएगा वीडियो में ताकि एकदम क्लियर पता चले आप लोगों को। अब आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर रखने के बाद अब इसको हम निकाल ले रहे हैं बाहर, और देखो ये हिसाब से अब निकाल लिए, निकालने के बाद अब ये अभी ये हिसाब से देखो अभी इसको हम मसल लेंगे बढ़िया से। ये है हमारा असली तरीका, अगर हमारे तरीके से आप लोग भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल एकदम आज का वीडियो बहुत खास होगा आप लोगों के लिए। देखो एकदम अच्छे से मसलना है दोनों तरफ से पलट के, और ज़्यादा देर भी नहीं मसलना है, ये नहीं कि मतलब 10 मिनट 5 मिनट कुछ नहीं, मुश्किल से आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट में आपका हो जाएगा एकदम परफेक्ट रेडी। अब देखो ये सिर्फ अभी हमारा कितना 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी, और ये हो गया हमारा मसल के रेडी। अब इसके बाद देखो अब आगे क्या करना है, ये मसलने के बाद
अब इसका हम सबसे पहले लाट लगा लेंगे। ये हिसाब से ये आ गई पटरी। अब इसके ऊपर रख के थोड़ा सा हम लंबा करके दबा लेंगे, दबा के कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम पेड़ा बनाए तो एकदम परफेक्ट बने, जैसा चाहो वैसा, छोटा चाहो छोटा, बड़ा चाहो बड़ा। अब ये हो गया लाट लगा के रेडी। अब इसका कटिंग कर लेते हैं हम लोग। ये देखो बिल्कुल एकदम है, परफेक्ट है। ये कटिंग करने से आपका जो पेड़े का साइज बनेगा ना, एक साइज का रहेगा। छोटा बनाएंगे छोटा, बड़ा बनाएंगे बड़ा। अब ये हो गया हमारा रेडी। उसके बाद अब इसको हम वापस उठा के फिर से रख लेंगे ऐसा पॉलीथीन के अंदर। देखो इसके अंदर वापस उठा के ऐसा ही रखना है कभी भी। और एक चीज़ और ध्यान देना कभी भी कि इसको जब कभी भी बनाओ आप लोग गोलगप्पा पानी पूरी, तो हवा बिल्कुल ना लगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे घर में कूलर पंखा अगर आप लोग चालू करके बनाएंगे तो परफेक्ट नहीं बनेगा। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि एकदम सवेरे के टाइम पे बनाएंगे तो एकदम बढ़िया और परफेक्ट बनेगा। अब ये हिसाब से देखो एक एक लेना है। उसके बाद अब इसका एकदम अपने साइज के हिसाब से इसका कटिंग कर लेना है। अगर घर पे खाने के लिए बना रहे हैं तो अपने हिसाब से कर लो, बेचने के लिए बना रहे हैं अगर तो फिर जैसा बाज़ार में मिलता वो हिसाब से। अगर सोच रहे हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो हम साइज बनाते हैं ये हमारा 5 से 6 ग्राम के बीच में अगर आप लोग रखेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बाज़ार जैसा बनेगा। इसका जो वजन है 5 से 6 ग्राम के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और अगर खाने के लिए बना रहे तो अपने हिसाब से आप लोग चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। अब ये हिसाब से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है बने रहिएगा वीडियो में ताकि एकदम परफेक्ट मेरे जैसा आपका भी बने। आप लोग देख सकते हैं 1.25 गिलास में हमारा जो है सूजी, ये कितना सारा गोलगप्पा बनने वाला है ये आप लोगों के सामने है। अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं जितना पेड़ा हमारा जितना लोई बना है उतना ही गोलगप्पा हमारा बनके रेडी होगा। अभी देखो कटिंग करने के बाद अब क्या करना है, ये थोड़ा सा ये हमारा जो गेहूं का आटा घर का पिसा हुआ है, ये एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि ये घर का पिसा हुआ है। उसके बाद अभी ये हल्का सा लेना है 5 ग्राम और इस पर हल्का सा मार के ये हल्के हाथों से ऐसा मिला देना है। कम से कम 200 से 300 पूरी तो बहुत आसानी से बनेगा आपका। अगर ये हिसाब से 300 पूरी तो आसानी से बन जाएगा। जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हो गया हमारा एकदम परफेक्ट पेड़ा बनके रेडी। अब ये हो गया बेलने के लिए। अब अगर आप लोग देखेंगे देखो ये हो गया हमारा जो पेड़ा है बनके कैसा है ये हिसाब से। और सबके पास ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया हूँ। अगर देखेंगे तो सबके पास देखो ये जो पेड़ा है सबके पास ऐसा है। और हमारा जो बेलने का तरीका है आप लोग देख सकते हैं इसका साइज। सबसे पहले जो साइज है ये देखो हमारा। और जब आपका पेड़ा एक साइज का रहेगा तो आपका गोलगप्पा भी एक साइज का ही बनेगा। और यही चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जब अच्छे से देखेंगे जब समझ पाएंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और ये पेड़ा देखो इधर भी ऐसा बना है और इधर भी देखो इधर भी ऐसा बना है। और उसके बाद हम लोग बेल रहे हैं कैसा, मैं सबसे पहले दिखा दूं हमारा जो बेल के रखने का कपड़ा है वो हमारा कपड़ा कैसा है। ये हमारा पूरा सूखा कपड़ा है। ये देखो ये छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एकदम छोटा छोटा कपड़ा है। इसका कटिंग कर लिए हैं हम और इतना ही बड़ा है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक, ये मुश्किल से 2.5 से 3 फीट का है। अब ये हिसाब से हम लोग, और ये पूरा एक चीज़ और कभी भी ध्यान देना, गोलगप्पा अगर बनाओ मेरे हिसाब से अगर बनाओ तो, और दूसरे के हिसाब से बनाओ तो फिर दूसरे के हिसाब से बनाओ। ये मेरा जो कपड़ा है पूरा एकदम सूखा कपड़ा है देखो, और वही कपड़ा हम लोग बिछा के और इसके ऊपर बेल के रख रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा जैसे मैं 2 गिलास का बना के आप लोगों को बताया हूँ, अगर ये हिसाब से आप लोग अगर बना रहे हैं तो क्या करना है, बड़ी सी पॉलीथीन लेना है। बड़ी सी पॉलीथीन लेके उसके ऊपर बेल के रखना है। और अगर ये सोचो कि मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि पॉलीथीन पे रखना है पन्नी पे, तो आप लोगों का ही फायदा है। क्योंकि अगर इसके ऊपर आप लोग रखेंगे 2 गिलास बना के सूखे कपड़े पे एकदम सूख जाएगा।
और सूख जाएगा तो आप लोग बोलेंगे पानी पूरी वाला सही नहीं बताया। तो इससे अच्छा अगर ये समझ के अगर मेरा भरोसा करके अगर बना रहे हैं तो पॉलीथीन पे रख दो और उसके बाद फिर फ्राई करने का जो मैं जा रहा था बताने कि फ्राई उसके बाद करना, तुरंत नहीं करना है, कम से कम बेलने के बाद एक घंटा, एक से सवा घंटा भी अगर छोड़ देंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये नहीं कि मैं पन्नी पे रखा और उसके बाद बेलने के बाद ले गया तुरंत फ्राई कर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करेंगे तो क्या पता चलेगा, फूलेगा तो अच्छा लेकिन नरम हो जाएगा। तो इससे अच्छा अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्कुल मेरे जैसा एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। चलो अब हम पहले बेल लेते हैं, बेलने के बाद फिर फ्राई करूंगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा जो पानी पूरी बन रहा है कैसा बन रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पानी पूरी सिर्फ 1.5 गिलास आटे से बनाया था, अब देखो कैसा फूल रहा है आप लोगों के सामने है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एकदम जबरदस्त। अगर मेरे जैसा रियल में आप लोग सोच रहे हैं ना बनाना तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होगा आज का वीडियो। सिर्फ आप लोग अच्छे से अगर ये अच्छे से अगर देख लिए तो बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट बनेगा मेरे जैसा एकदम। और जबकि कुछ नहीं करना, देखो सिर्फ उठा के फेंक देना है और देखो सिर्फ उठा के गया कढ़ाई के अंदर और देखो कैसा फूल रहा हमारा ये। अब देखो ये खोल दिया और साइज आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया साइज है, एकदम बढ़िया जबरदस्त। ऐसा यही मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लोग अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जो मेरा फ्राई होके निकल रहा है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इधर देखो ये तुरंत अभी फ्राई होके निकल रहा है, देखो कितना बढ़िया ये है हमारा पानी पूरी गोलगप्पा। और देखो कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है ये देखो। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर जो अभी तक हम लोग फ्राई किए हैं, कितना सारा फ्राई किए हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखो ये हमारा फ्राई होके यहाँ आ रहा है, देखो ये कैसा है आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छे से देखेंगे एक पपड़ी नहीं बनेगा, जो तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ आज के वीडियो में ना कि एक पपड़ी रियल में नहीं बनेगा। देखो अभी हमारा पूरा पेटी ये खाली है, ये इधर भी देखो। अब मैं आप लोगों को जो बाहर फ्राई हो रहा है, देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं दिखाता कुछ और बनाता कुछ और हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ एकदम रियल कि आप लोग आसानी से घर पर बनाओ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मेरे जैसा बने, चाहे खाने के लिए बनाओ चाहे बेचने के लिए बनाओ, बिल्कुल एकदम आसान और एकदम जबरदस्त तरीका है जैसा कि मैं खुद बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा फ्राई करने का तरीका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।